हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं मानवीर प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज हाउस में और आशा करता हूं आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिएगा जिससे हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना करें। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है घड़ी, क्लॉक, और क्लॉक से संबंधित जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन हैं हम सब कवर करेंगे इसमें, और इसके बाद आपके क्लॉक से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका एक कॉन्सेप्ट है कि एक घंटे में घड़ी की सुई कितनी बार एक दूसरे के ऊपर होती है, ठीक है, जब दोनों घड़ी की सुइयाँ एक समान दिशा में हों। समान दिशा का मतलब तभी होगा जब एक सुई ये है और दूसरी सुई भी उसके ऊपर होगी, तो इसका मतलब एक दूसरे के ऊपर होगी, ठीक है। तो देखिए, एक घंटे में ये एक बार होती है और फिर 12 घंटे में कितनी बार होगी। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यार एक घंटे में एक बार होती है तो 12 घंटे में 11 बार कैसे होगी। तो आप ये चीज़ देखिए, 11 से 12 के बीच में घड़ी की, घंटे की सुई और मिनट की सुई कभी एक दूसरे के ऊपर होगी ही नहीं। देखिए, थोड़ा सोच के देखिए, जब मिनट की सुई यहाँ होगी 12 पे होगी और घंटे की सुई 11 पे होगी, तब आपका 11 बजेगा और जब तक ये घूम के वापस आएगी तो ये घंटे की सुई वापस 12 पे पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये 12 घंटे में 11 बार होगी। इसी प्रकार 24 घंटे में 22 बार होगी और 12 बजे भी 22 बार होगी, ठीक है। देखिए, 12 बजे मतलब 12 घंटे, तो यही वाला हो जाएगा। 24 घंटे में 22 बार होगी क्योंकि दो बार घूमेगा। और जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आई है, देखिए वो उसको याद कर ले, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी कि 24 घंटे में कितनी बार होगी या 12 घंटे में कितनी बार होगी, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब इनके जो ट्रिक्स हैं उससे देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कितने कितने टाइप्स हैं, सारे टाइप्स कवर करते हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि 2 और 3 बजे के बीच में मिनट और आवर की सुई कब आपस में मिलेगी, ठीक है। तो देखिए, बहुत सारे लोग इसमें दिमाग लगा के, कॉन्सेप्ट लगा के इसको एंगल से ही फाइंड करना चाहेंगे या फिर थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व करना चाहेंगे, ठीक है। तो देखिए, वैसे कुछ क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे लेकिन सारे क्वेश्चन वैसे सॉल्व नहीं होंगे। तो आपको देखिए, ये फॉर्मूला है इसका, रटना होगा, ये ध्यान रखिएगा, 16 अपॉन 11 इंटू टाइम, ठीक है, 60/11 इंटू टाइम, ये आपको फॉर्मूला ये याद रखना होगा, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, आपसे ये पूछा गया है कि 2 और 3 बजे के बीच, ठीक है, 2 और 3 बजे के बीच में मिनट और आवर की सुई कब आपस में मिलेगी। तो आपसे देखिए, जो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि 2 और 3 के बीच में मिनट और घंटे की सुई आपस में कब एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगी, ठीक है। तो देखिए, इसका सीधा आंसर निकालने का तरीका ये, आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी होती है, ठीक है। तो अब देखिए, 16 अपॉन 11 इंटू टाइम आपका फॉर्मूला है। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो टाइम होता है ना, इसमें हमेशा स्मॉलर संख्या लेनी होती है इसकी वैल्यू। जैसे आपसे अगर पूछा गया 5 से 6 के बीच में तो आप 5 लेंगे, अगर आपसे पूछा 2 से 3 के बीच में तो आप 2 लेंगे, अगर आपसे पूछा 5 और 7 के बीच में तो आप, मतलब सॉरी, 6 और 7 के बीच में तो आप 6 लेंगे। तो जो भी दोनों संख्या में से छोटी संख्या होगी वही हम यहाँ लिखेंगे। इसको आप लिख दीजिए 16 अपॉन 11 इंटू 2 और ये आपका आंसर आ जाएगा 120 अपॉन 11, ठीक है। पर ये आंसर सिर्फ मिनट, ये आपका सिर्फ टाइम का मिनट फाउंड होता है, तो आपका जो आंसर होगा ना वो होगा 2:00 इतने मिनट, ठीक है। ये देखिए, मैंने नीचे लिखा है 2:10 अपॉन 10/11 मिनट, 10 सही 10/11 मिनट। और देखिए, ये इसको भाग देने पे ऐसा लिखा जाता है, तो वही चीज़ लिखी हुई है। तो मेन चीज़ देखिए, आपको समझना है कि आप पहले t=16/11 फॉर्मूले में रख के टाइम निकाल लीजिए, मिनट निकाल लीजिए, और यहाँ पे हमेशा टाइम की वैल्यू जो रहेगी वो छोटी वाली संख्या रहेगी, ये हमेशा ध्यान रखनी है हमें। जो छोटी संख्या होगी, जैसे अगर 2 और 3 की जगह पे 5 और 6 होती है तो 5 लेनी होती है आपको। और फिर उसके बाद जो आपने जो संख्या ली है उसको लिख के, कि जैसे आपने संख्या ली थी 2 तो 2:00 इतना मिनट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 120 अपॉन 11 है उसको ये कैसे लिखा हुआ है, बहुत लोगों को आप में समझ में नहीं आया होगा। तो देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया, आप इसको देखिए। देखिए, अगर आपको यहाँ पे 11 में 600 का भाग देना है, ठीक है, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 600 अपॉन 11, तो अब इसको इस वाली फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो देखिए, इसका सीधा तरीका होता है कि 11 का भाग लगाइए 600 में, तो पहली बार लगाएंगे तो 5 बार जाएगा, यहाँ पे 5 लिख दिया, 55 आ जाएगा, तो ये 5 रिमाइंडर बचा, ऊपर से 0 उतार दी। अब 4 बार में 44 आ जाएगा, 44 कर दिया, यहाँ पे कर दिया, आपका कितना बचा, 6 रिमाइंडर बचा। अब देखिए क्या होता है ना, कि जो सबसे जो भागफल होता है वो सबसे आगे लिख दिया जाता है, ठीक है, जो शेषफल होता है वो ऊपर लिख दिया जाता है, जो रिमाइंडर होता है, और जिससे आप भाग लगाते हैं वो नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे आपका आंसर आ जाता है, समझ गए आप ये चीज़। इस चित्र से देख के आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि जो शेषफल होता है वो अंश में बन जाता है, और जो भागफल होता है वो आगे आ जाता है, और जो 11 होता है वो हर बन जाता है, ये न्यूमरेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसी में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आप लोगों में से कोई सॉल्व करके बताए मुझे, 10 और 11 बजे के बीच में
क्या होगा, ठीक है, कैसे दिमाग में सोच के देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए बिल्कुल बेसिक सी बात है, 16/11 × time, तो टाइम आप लिख दीजिए 10, ठीक है। इसके बाद आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो 600/11 आ गया, तो आपका आंसर हो जाएगा, इसको आप ऐसे फॉर्म इस फॉर्मेट में बदल लेना, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, 10:600/11, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आता है वो आता है कि जब घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में हों। देखिए ये जो क्वेश्चन था इसमें था कि सेम दिशा में होंगी जब घड़ी मिनटे की सुई और घंटे की सुई, ठीक है। अब है देखिए जब घड़ी की सुई विपरीत दिशा में होगी, तो देखिए घड़ी की सुई आपस में विपरीत दिशा में सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकती है, जब उसके बीच में 180 डिग्री का एंगल बने। सोच के देखिए, एक इधर होगी और विपरीत दिशा मतलब दूसरी ये होनी चाहिए, तो बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा तभी ये विपरीत दिशा में होंगी, है कि नहीं। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो आपको देखिए क्वेश्चन में दोनों चीज़ पूछ सकते हैं कि 180 डिग्री का एंगल कब बनाएंगी या फिर दोनों घड़ी की सुइयाँ विपरीत दिशा में कब होंगी, ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा 2 से 3 के बीच में घड़ी की दोनों घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयाँ विपरीत दिशा में कब होंगी, या फिर ये पूछ लेगा कि घंटे की और मिनट की सुई 180 डिग्री का एंगल कब बनाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन मिला है कि 2 और 3 के बीच में घंटे और मिनट की सुई कब 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी या फिर कब विपरीत दिशा में होंगी, तो देखिए इसको भी सॉल्व करने का सेम फॉर्मूला है, बस एक अंतर है 16/11 × time + -6 आपका ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे प्लस माइनस सिक्स क्यों किया हुआ है, तो देखिए जब सिक्स जो टाइम की वैल्यू है अगर 6 से बड़ी होगी तो माइनस कर देंगे, और अगर 6 से छोटी होगी तो प्लस कर देंगे, ठीक है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, देखिए ये 2 और 3 के बीच में निकालना है हमें, तो अब देखिए 2 जो है वो आपका 6 से छोटा है, तो 2 को यहीं लिख दिया हमने, ठीक है। तो अब इसको ऐड कर देंगे क्योंकि 2 6 से छोटा है, अगर 2 जो टाइम की संख्या अगर 6 से बड़ी होती तो फिर हम उसको घटा देते, तो आपका हो जाएगा 16/11 × t + 6, तो 2 + 6 तो 16/11 × 8, और जिसको आप सॉल्व करेंगे तो 480/11, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो 43 सही 7/11 आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2:43 सही 7/11 आंसर, ठीक है। अब देखिए फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं कि 10 और 11 के बीच में घंटे और मिनट की सुई कब एक दिशा में होंगी, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ आप समझिए, एक दिशा से देखिए दो चीज़ हो सकती हैं, एक दिशा पे दो कंडीशन बन सकती है, एक तो ये वाली, एक सेकेंड, हाँ एक तो ये वाली, एक तो ये वाली, ठीक है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर समझ के देखिए, एक में क्या है 180 डिग्री का एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, और एक में दोनों सुइयाँ एक तरफ है। देखिए जो एक दिशा का मतलब क्या है कि घड़ी जैसे ये हो गई, ये आपकी घड़ी हो गई, ठीक है। अब ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है, तो अभी भी एक दिशा में है, पर एक केस ये भी हो सकता है कि ये घंटे की सुई हो गई और मिनट की सुई ये भी हो गई, तब भी एक दिशा में है, तो ये दोनों कंडीशन इसमें लगेगी। तो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा कि हमारे पास देखिए दोनों टाइप के फॉर्मूले हैं, एक तो ये वाला 180 डिग्री वाला और एक हमारे पास जो ऊपर वाला था, तो हम इसमें दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे, उसके बाद हम मल्टीपल चॉइस में देखेंगे आंसर कि हाँ हमारा आंसर कौन सा मैच हो रहा है, ठीक है। अगर हमारा आंसर इन दोनों में से जो वाला भी मैच होगा तो हम उस पर टिक लगा देंगे, और अगर दोनों आंसर हो गए और जैसे ऑप्शन हुआ a और b दोनों, तो फिर आप दोनों उसके हिसाब से आप आंसर लगाते ना, जो आपको मल्टीपल चॉइस में कुछ आंसर मिलेंगे ऑप्शंस मिलेंगे उसके हिसाब से इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन है कि 10 और 11 के बीच में घंटे और मिनट की सुई कब एक दिशा में होंगी, तो पहले तो देखिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं जो अभी हमने सीखा है, 10/16/11 × t - + 6, ठीक है। अब यहाँ पे 10 6 से बड़ा है तो यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 16/11 × 10 - 6 जिसको सॉल्व करोगे तो आप आ जाएगा 21 सही 9/11, ठीक है, जिसको हम लिखेंगे 10:21 सही 9/11। अब देखिए एक और फार्मूला है हमारा 16/11 × time, तो वहाँ भी हमने लगा दिया 16/ये तो 54 सही 6/11, तो आपका आंसर आ जाएगा 10:54 सही 6/11, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्लॉक का पहला पार्ट खत्म होता है, दूसरा पार्ट मैं आपका जल्दी डाल दूंगा, कल डाल दूंगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। और आप लोगों को जाकर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे आप हमारे कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएँ। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग हमारा, जिसमें हम सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, इस वीडियो की भी PDF मैं वहाँ डाल दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप पर क्लिक करिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। देखिए फेसबुक पेज पे हम सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताते हैं, तो जो भी न्यूज़ व्यूज़ चलती रहती है वहाँ पर सब हम डिस्कस करते हैं, तो प्लीज़ फेसबुक पेज भी लाइक करिएगा, और जिसको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो पर लाइक जरूर करके जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर मेरी अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।